हैं एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फनटेक बूम पर। तो दोस्तों शोमी नोटबुक तो आप जानते ही होंगे, शोमी ने अभी थोड़े दिन पहले मतलब थोड़े महीनों पहले अपनी एक नोटबुक लॉन्च करी थी, लैपटॉप नोटबुक 14 और नोटबुक 14 होरिजन एडिशन, उसका एक लाइट वर्जन लॉन्च कर दिया है नोटबुक 14 ई लर्निंग एडिशन। तो आज हम इसी लैपटॉप के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको ये लेना चाहिए या नहीं, और अगर आप 30-35 हज़ार का कोई भी लैपटॉप लेने की सोच रहे हो ना तो ये वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है, और ये लैपटॉप लेने की सोच रहे हो तो इसके सारे प्रोस कॉन्स आज की इस वीडियो में कवर कर दूंगा, बता दूंगा किस किस को लेना चाहिए और किस किस को नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप एक लैपटॉप बाय करने की सोच रहे हो तो इस वीडियो में तक बन रहना। लेकिन उससे पहले दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टेक वीडियो। सबसे पहले स्पेक्स की बात करेंगे, बताऊंगा नोटबुक 14 होरिजन एडिशन से क्या फर्क आया है और क्या आपको लेना चाहिए या नहीं, उसके बाद प्रोस कॉन्स कवर कर लूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन और डिस्प्ले को लेकर, तो डिजाइन यार बस लाइट वेट, काफी लाइट वेट लैपटॉप निकाला है, 1.5 kg इसका वेट है। हालांकि थोड़ा मतलब नोटबुक 14 ओरिजिनल एडिशन से थोड़ा भारी हो जाता है, लेकिन इसमें वेबकैम आपको इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है इसलिए भी थोड़ा भारी है। लेकिन अगर आप एक ऑफिस यूज लेने की सोच रहे हो, ऑफिस यूज के लिए कोई प्रोफेशनल यूज के लिए लेने की सोच रहे हो, कॉम्पैक्ट डिजाइनर लैपटॉप चाहिए, तो इसका डिजाइन काफी अच्छा है। बात करें इसके डिस्प्ले को लेकर, तो यार इसमें आपको 14 इंच की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिलती है एंटी ग्लेयर के साथ। लेकिन भाई जो पिछले वाले नोटबुक 14 ओरिजिनल एडिशन थे उसमें आपको वेबकैम देखने को नहीं मिलता था, इसकी वजह से ऊपर की बेजल्स काफी कम थी। इसमें आपको वेबकैम इसके अंदर इंटीग्रेटेड देखने को मिलता है, काफी अच्छी बात है। पिछली बार आपको लैपटॉप के साथ अलग से वेबकैम देखने को मिल रहा था और इसमें आपको इंटीग्रेटेड लैपटॉप के अंदर देखने को मिल जाएगा। बेजल्स में कमी बताना चाहूंगा यार, लेकिन 3 साइड की जो नीचे की साइड है जहां MI की ब्रांडिंग दी गई है मेन, वहां बहुत ज्यादा बेजल्स है, आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिख रही होंगी, वो बेजल्स बहुत ही ज्यादा है नीचे, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है मेरे को। ये बेजल और कम हो सकती थी नीचे वाली, हालांकि जो तीनों साइड की है वो काफी अच्छी है, ऊपर की थोड़ी आपको ज्यादा लग रही होगी, लेकिन वेबकैम इसके अंदर ही है तो यार वो बेजल ठीक है। बात करेंगे इसके OS प्रोसेसर को लेके, तो यार इसके अंदर आपको विंडो 10 होम पहले से ही देखने को मिलेगी ओरिजिनल वर्जन, और हाँ डोस लैपटॉप नहीं है, मतलब डोस वो होता है जिसमें आपको विंडो देखने को नहीं मिलती, 4-5 हज़ार सस्ते देखने को मिल जाते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो यार i3 इंटेल i3 10th जनरेशन आपको इसमें देखने को मिल रहा है, बिल्कुल लेटेस्ट है 10th जनरेशन, और इस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से मैं काफी अच्छा प्रोसेसर बताना चाहूंगा लैपटॉप के लिए, क्योंकि यार राइजन जो है ना, राइजन सीरीज जो आती है, AMD के राइजन आते हैं, वो यार PC के लिए इंटेल को काफी पीछे छोड़ देते हैं, बहुत अच्छी टक्कर लेते हैं, और मैं तो ये कहूंगा 90% मामलों में मतलब राइजन इंटेल को पीछे छोड़ ही देता है PC में। लेकिन लैपटॉप की बात करें तो यार लैपटॉप में अब भी इंटेल के ज्यादा अच्छे माने जाते हैं, तो अगर आप PC बिल्ड कराना चाह रहे हो तो AMD के अच्छे होते हैं, लेकिन लैपटॉप के लिए अब भी इंटेल के ही ज्यादा अच्छे हैं। तो i3 10th जनरेशन इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से काफी अच्छा प्रोसेसर है और लेटेस्ट भी है, i3 8th जनरेशन या 7th जनरेशन इसमें नहीं दिया है। बात करें इसकी परफॉर्मेंस को लेकर, तो 8 GB की DDR4 RAM लगी हुई है, 256 GB की SSD लगी हुई है, SSD काफी फास्ट होती है, लेकिन यार 512 GB की मिल जाती तो काफी अच्छी बात होती है, या फिर 1 TB की हार्ड डिस्क लगा देता, लेकिन SSD के भी अपने अलग फायदे हैं। ग्राफिक कार्ड की बात करें तो इसमें आपको डेडिकेटेड NVIDIA का या फिर AMD का ग्राफिक कार्ड देखने को नहीं मिलेगा, इंटेल का इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड इसमें आपको देखने को मिलता है, जो की है इंटेल 620। बात करें इसके बैटरी बैकअप और पोर्ट्स को लेकर, तो यार MI क्लेम करता है इसमें आपको 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा, हालांकि मैं ये सजेस्ट करूंगा अगर आप मतलब कुछ भी ऐसा हैवी टास्क करोगे तो 6-7 घंटे का तो आपको देखने को मिल जाएगा। पोर्ट्स की बात करें तो यार इसमें 3 USB पोर्ट दिए हुए हैं, जिसमें से 2 तो 3.1 USB है और एक 2.1 USB पोर्ट है, बाकी एक HDMI पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है और चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है, मतलब पोर्ट्स थोड़े बहुत और हो सकते थे। अब यार इतने अच्छे अच्छे फीचर्स तो मैंने बता दिए, अब सारे बताता हूँ कौन से, क्योंकि इस लैपटॉप में बहुत ज्यादा कौनस भी है, क्या क्या कौनस है वो अब मैं बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं इसके कौनस को लेकर, तो सबसे पहले यार वही जो मैंने बेजल का बताया, नीचे बहुत मोटी बेजल मिल जाती है, और दूसरा कौन सबसे बड़ा कौन इसका ये है यार, इसमें 256 GB की बस SSD लगी हुई है स्टोरेज, आप एक्सपेंशन स्लॉट भी नहीं दिया हुआ है, मतलब अगर आप कोई हार्ड डिस्क लगाना चाहते हैं, SSD बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं मिलेगा आपको, और वैसे हार्ड डिस्क के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं होता। पर रैम की बात करें तो यार 8 GB की एक ही स्टिक लगी हुई है और उसके लिए भी एक्सपेंशन स्लॉट नहीं मिलता, मतलब अगर आप अपनी रैम को 8 से 12 GB 16 GB करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते, एक्सपेंशन स्लॉट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आप ना रैम बढ़ा सकते हो ना इसकी स्टोरेज बढ़ा सकते हो, आपको अलग से हार्ड डिस्क लेने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यार 256 GB मेरे हिसाब से काफी जल्दी बढ़ जाएगी, और 256 GB में आपको 200 से 210 GB फ्री मिलेगी इस लैपटॉप में। तो दो कौन तो ये हो गया, और यार तीसरा कौन सा है कि इसके अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलता, मतलब यार नोटबुक 14 और 14 ओरिजिनल एडिशन में जितने भी कौन थे ना वो सारे भी इसमें दे दिए हैं, मतलब थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए था, या तो एक्सपेंसिव स्लॉट दे देते, फिंगरप्रिंट सेंसर भी नहीं है, कीबोर्ड में आपको बैकलाइट भी नहीं मिलेगी अगर आप ऑफिस यूज के लिए ले रहे हो, अगर आपको नाइट में काम करने की जरूरत पड़ती है अंधेरे में तो आपको कीबोर्ड के अंदर बैकलाइट देखने को नहीं मिलेगी, फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, लेकिन अगर आपके पास MI Band 5 है तो उससे आप अनलॉक कर सकते हो, ये MI के खुद के सॉफ्टवेयर से स्मार्ट फीचर है इसमें,
लेकिन यार फिंगरप्रिंट सेंसर एक अलग ही चीज है और MI Band 5 से अनलॉक करना लैपटॉप में एक अलग चीज है। तो बात कर लेते हैं यार किस किस को ये लेना चाहिए किस किस को नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से भाई अगर ये लैपटॉप HP या Asus की तरफ से आता तो मैं थोड़ा कंसीडर कर सकता था कि अगर आप ले सकते हो मतलब ले सकते हो क्योंकि 256 GB SSD बहुत बड़ा कौन सा जाता है और ना एक्सपेंसिव कर सकते हो। लेकिन MI की तरफ से मैं इसलिए कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि भाई Amazon पे जितने भी MI के वो है ना लैपटॉप 14 Horizon Edition उसमें एक बार जाकर रिव्यू पढ़ो। लोगों ने कहा है कि यार हार्डवेयर तो बहुत अच्छा दे रहा है MI लेकिन जो सॉफ्टवेयर के मामले में मतलब इतनी दिक्कतें आ रही है ना उन्हें मतलब जितना मतलब पेपर ऑन पेपर वर्क इसके स्पेसिफिकेशन है ना उतने ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है चाहे वो नोटबुक 14 हो 14 वर्जन एडिशन हो। तो अब बात करें ई लर्निंग की ये तो एक लाइट वर्जन हो जाता है। तो यार प्रोसेसर काफी अच्छा दिया है SSD भी दिया है मतलब अगर आपको नॉर्मल यूजेज के लिए चाहिए तो आप ले सकते हो ऑफिस कॉम्पैक्ट डिजाइन चाहिए तो ले सकते हो। पर मैं यही सजेस्ट करूंगा यार इस प्राइस रेंज पे काफी और अच्छे अच्छे लैपटॉप भी आ जाते हैं जैसे कि Asus की Vivo Book हालांकि उसमें आपको i3 8th जनरेशन तक का देखने को मिलेगा पर मेरे हिसाब से वो इससे थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर देंगे क्योंकि इसके जो मैंने कॉन्स बताए हैं यार वो मतलब बहुत ज्यादा ही है। एक स्टोरेज आप एक्सपेंड नहीं कर सकते आप इसकी रैम एक्सपेंड नहीं कर सकते इसमें बैकलाइट भी नहीं दी हुई फिंगरप्रिंट को हम थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हैं लेकिन यार स्टोरेज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा कौन सी यही लगा है मेरे को यार MI के जितने भी लैपटॉप अभी तक बिके हैं नोटबुक 14 Horizon Edition काफी कंप्लेंट्स आई है उसमें काफी ज्यादा कंप्लेंट आई है। मैं ये नहीं कह रहा MI बेकार है MI फोन काफी अच्छे निकालता है पर लैपटॉप में काफी इंप्रूव करने की जरूरत है। हालांकि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा ये लैपटॉप। हालांकि अगर ये भी बताना कि आपका 35,000 का 40,000 का 50,000 का कितने बजट हो आप MI या Realme मतलब अगर Realme भी लैपटॉप निकाल दे इन ब्रांड्स के साथ जाना पसंद करोगे या फिर Asus HP Dell ऐसी ब्रांड के साथ जाना पसंद करोगे। तो खत्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत जाना और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमें Instagram और Twitter पे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो रेट करी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मैं मिलूंगा जल्दी अपने अगली वीडियो में। जब तक के लिए कीप वाचिंग फन टेक।